हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुबॉग में। मैं आपकी एजुकेटर कविशा। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेंगे जो कि क्लासेस 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को वो टॉपिक समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच हम क्यों यूज़ करते हैं, आप लोगों ने पोएम्स पढ़ी होंगी 9 से 12 में। जितनी भी पोएम्स होती हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, और अब वो जो पोएम्स होती हैं वो उनका जो मीनिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने में, क्योंकि 9 से 12 ही पोएम्स कोई बच्चों वाली पोएम्स नहीं आती हैं। और अब ये जो पोएम्स होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही ईजी तरीके से समझ लेंगे, जिससे आपको कभी भी पोएम में फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो पूछता है कि फिगर ऑफ स्पीच आखिर होती क्या है। देखिए, हिंदी में आप इसको अलंकार के टॉपिक में पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो आप इसको अलंकार के टॉपिक में पढ़ते हैं। उसमें भी हमारे पास बहुत सारे अलंकार होते हैं, और जो हिंदी में भी जो हमारे कवि होते हैं, कवित्री होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कविताओं में इन अलंकार का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी कविताओं को और ज़्यादा निखारने के लिए। तो बिल्कुल सेम इंग्लिश में भी, इंग्लिश ग्रामर में भी, पोएम्स में, लिटरेचर में होता क्या है कि जितने हमारे पोएट्स और ऑथर्स होते हैं वो इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं अपनी इमेजिनेटिव बातों को और ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए। क्योंकि जो पोएम्स होती हैं वो इमेजिनेशन यूज़ करके लिखी जाती हैं, तो इनका ओरिजिनल मीनिंग से इतना लेना देना नहीं होता, लेकिन इमेजिनेशन को और ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? सबसे पहले इनका यूज़ करते हैं टू एम्बेलिश आर लिटरेरी टेक्स्ट। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। तो पोएट जो होता है अपनी इमेजिनेटिव बातों को कैसे सजाता है, इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके। जो भी अपना उसने लिखा होता है, कोई नोवेल लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखी है, उसको और ज़्यादा एड ऑन करने के लिए पोएट इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब हम धीरे धीरे करके एग्जाम्पल्स देखेंगे। दीज आर यूज टू गिव इमेजिनेटिव सेंस एंड लुक्स गुड टू द रीडर्स। ये क्या करते हैं, ये एक इमेजिनेटिव सेंस को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और जितना भी कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ सिंपल सी भाषा में कोई हमें कोई कहानी लिखनी है या कोई भी ऐसी चीज़ लिखनी है, अगर वो बिल्कुल ही ऐसे लिखा होगा सिर्फ एक, तो वो उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि ये जो ऑथर्स होते हैं वो चाहते हैं कहानी से जो रीडर्स हैं वो बंध जाएँ, और उसका काम फिगर ऑफ स्पीच करती है। दे ऑल्सो गिव अ पैक ऑफ पंच इन स्पीचेस एंड मूवी लाइन्स। और बहुत सारी स्पीचेस में, मूवी लाइन्स में, स्टोरीज में, शॉर्ट नॉवेल्स में, पोएम्स में ये पंच का काम करते हैं। तो चलिए अब हमारा क्या होगा, अब हम जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन 9 से 12 की क्लासेस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को ले लिया है, जो आप बार बार आप देखेंगे कि आपने पोएम्स में इसको पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी कॉमन एलिट्रेशन। ये आपने पढ़ा होगा और ये आपको आता भी होगा। एलिट्रेशन होता है, जैसे मैं हिंदी में अगर आपको उसको बताऊँ, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड्स ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स। साथ में वर्ड्स लिखे होते हैं और वो जो वर्ड्स होते हैं उनकी सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स होनी चाहिए। देखिए, आपको गलतफहमी क्या होगी कि लेटर सेम होते हैं, लेटर सेम है तो वो एलिट्रेशन होता है। नहीं, लेटर सेम नहीं, हमें साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है, व्यंजन जो होते हैं उसकी साउंड सेम आनी चाहिए, तभी वो एलिट्रेशन माना जाता है, यानी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होता है। टू इज द इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स यूजिंग वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड। बेसिकली वी हैव टू चेक द कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शी सेल्स सी शेल्स। तो ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। निक नीडेड
न्यू नोटबुक्स। देखिए जो साउंड होगा ना वो भी सेम आ रहा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं, एन 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 ये आ रहा है तो एलिट्रेशन होगा। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको साउंड चेक करना है। वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, द कैंडी इज किलिंग माई कैविटी। अब देखो यहाँ पर एडजस्ट कैंडी कैविटी, द कैंडी इज किलिंग। आप सोचोगे कि ये तो के है, तो हमें ये देखना ही नहीं, हमें लेटर्स नहीं देखने हैं, हमें साउंड पकड़ना है। कैंडी किलिंग कैविटी, साउंड सेम है तो ये हमारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा हाइपरबो। देखो बोल का क्या मतलब होता है, जैसे आपको याद रखना हो अगर कोई चीज, बोल का मतलब बोलना, हाइपरबोल मतलब बड़ी चौड़ी लंबी लंबी बातें करना, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो हाइपरबोल क्या होता है, जब पोएट को या ऑथर को अपने किसी पर्टिकुलर मतलब इफेक्ट देना है तो वो क्या करता है, बातों को बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करता है, बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलता है कुछ एम्फेसिस ले करने के लिए। कभी कभी ये स्टोरी में मजाक यानी ह्यूमर ऐड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए आप समझ जाएंगे, बहुत आसान होते हैं। जब भी कभी बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा हो वो होगा हाइपरबोल का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई एम डाइंग ऑफ शेम, कोई शर्म से मरता है क्या, लेकिन ये बड़ा चढ़ा कर कहने की बात है, ये सिर्फ इमेजिनेटिव बात है। आई एम डाइंग ऑफ शेम, माई ग्रैंड मदर इज एज ओल्ड एज हिल्स। मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी कितनी बूढ़ी है, वो हिल्स जो पहाड़ियाँ होती हैं उसके बराबर है। कोई इतना बूढ़ा होता है क्या, नहीं होता। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बातें हैं वो एब्सर्ड हैं, ये सिर्फ कही जा रही हैं हमारे इमेजिनेटिव पॉइंट को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं ये हमेशा कर सकता हूँ। कोई ऐसा काम है जो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा चढ़ा के कहने की बात है। एवरीबडी नोज दैट, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हाइपरबोल के। हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हिंदी में हम कैसे पढ़ते हैं इसको, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बातों को लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरनी। आयरनी इज यूज व्हेन देयर इज मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट। आयरनी का एक तरीके से मतलब होता है जो आपने कहा है उसका ऑपोजिट उसका मतलब है, जो आपने आप कह रहे हो उसका ऑपोजिट उसका मतलब होना चाहिए, उसको हम आयरनी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप पायलट हैज़ अ फियर ऑफ फ्लाइट। अब पायलट है, उसका काम ही है जहाज़ उड़ाना, और उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो ये कितनी उल्टी बात है, यानी कि जो कहा जा रहा है उसके बिल्कुल उल्टी बात करना, वो हमारी आयरनी कहलाती है। हाउ गुड ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प अस, व्यंग करते हैं ना किसी के ऊपर, जैसे हमने ऐसे बोला कितना अच्छा है ना तुमने मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया। तो यहाँ पर देखो बुरा लगता है अगर कोई हेल्प करने के लिए मना कर दे, लेकिन वो उसको व्यंग कर रहा है, उसके ऊपर एक तरीके से जो कहना चाह रहा है उससे उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसे बोलेगा हाउ गुड ऑफ यू टू रिफ्यूज टू हेल्प अस। नेक्स्ट, द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। अब ये भी कितनी मजाकिया बात है, पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों का, पुलिस मैन का काम होता है चोरों को पकड़ना, लेकिन वहीं पर चोरी हो गई तो दूसरी जगह को वो क्या सेव करेंगे। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आयरनी के एग्जाम्पल हैं। अब आपको इससे क्या हो जाएगा, जब आपको एक बार मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप जब भी कभी पढ़ेंगे तो आप आराम से पिकआउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिट्रेशन है, कौन सा हाइपरबोल है, कौन सा आयरनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटाफर। ये भी बहुत कॉमन है मेटाफर। आपने बहुत अभी मतलब अभी जितनी भी आपने पोएम्स पढ़ी होंगी उसमें ये मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली, आयरनी, ये तो आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे। मेटाफर होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो असमान चीज़ों को, दो ऐसी चीज़ों को जो बहुत ही डिफरेंट नेचर की हैं, उनके अंदर हम कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकाल कर उनको कंपेयर करते हैं तो हमारा वो मेटाफर कहलाता है। जैसे एग्जांपल है टाइम इज मनी। देखो टाइम और मनी दो डिफरेंट नेचर की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि समय को
सदुपयोग करोगे तो वो आपके काम आएगा और आप अपना कुछ सक्सेसफुल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। वो इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। तो कोई भी दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो मेटाफर का यूज़ करते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये बहुत फेमस लाइन है शेक्सपियर की, एक पूरी नॉवल उसमें से एक पोयम है, वो बहुत कॉमन एक ये फ्रेज है, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, पूरा संसार एक स्टेज की तरह है। तो वो पूरे वर्ल्ड को स्टेज से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम वो मेटाफर से करते हैं। हर आइज वर फायर फ्लाइज, उसकी आइज फायर फ्लाइज है, फायर फ्लाइज जैसी हैं, जुगनू जैसी हैं। किसी की आंखें ऐसी होती तो नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करा है। शी इज़ अ नाइट आउल, वो नाइट आउल है। हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का दिल, किसी का दिल पत्थर का होगा नहीं, लेकिन कंपैरिजन करा है। हार्ट ऑफ स्टोन यानी कोई पत्थर दिल है, उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, ये बताने के लिए। नेक्स्ट आता है सिमिली, ये भी बहुत कॉमन है, अभी तक आप इसको पढ़ चुके होंगे। देखो सिमिली और मेटाफर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी आप इसको समझिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सिमिली का यूज करते हैं हम ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। जिनमें क्या होती हैं? सिमिलैरिटीज होती हैं, एक समान चीज़ें होती हैं, और हमेशा आपको लाइक और एज नज़र आएगा, आपको लाइक और एज बहुत नज़र आएगा। मेटाफर में क्या था? डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना था। सिमिली में क्या है? सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करना है। ध्यान रखिएगा, सिमिलर सिमिली, सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करना सिमिली करती है, और इसमें लाइक और एज आ जाएगा। एज स्लिपरी एज एन ईल, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज वाइज एज एन आउल, लाइक पीस इन अ पॉड, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ऑक्स स्ट्रॉन्ग होता है, और उसकी विशेषता से उसको कंपेरिजन करना है। एज प्राउड एज अ पीकॉक, पिकॉक सुंदर होता है तो प्राउड होता है, प्राउडी होता है काफ़ी, तो उसकी सिमिलैरिटी से उसको हम कंपेयर करते हैं। तो हम सिमिली का यूज़ करते हैं, और लाइक और एज आपको फ्रेजेज में नज़र आ जाते हैं। मेटाफर ध्यान रखिएगा, डिफरेंट नेचर की चीज़ों को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? ध्यान रखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है पर्सन। पर्सोनिफिकेशन में क्या करता है? कभी कभी जो हमारे पोएट और ऑथर होते हैं, वो इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि निर्जीव वस्तुओं को, सजीव जैसी क्वालिटीज़ दे देते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स जैसा फीलिंग्स और इमोशंस दे देते हैं, अपनी नॉन ह्यूमन थिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अपने नॉन ह्यूमन आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी पोएट क्या करते हैं? इनएनिमेट चीज़ों को क्वालिटीज़ दे देते हैं लिविंग थिंग्स जैसे। जैसे आपने हिंदी की कविताओं में बहुत पढ़ा होगा, फूल मुस्कुरा रहे हैं। क्या फूल कभी मुस्कुराते हैं? लेकिन फूल कैसे हैं? वो ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन वाली चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पोएट अपनी पोयम में या अपनी कहानी में सुंदरता देने के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है, जिसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड होल्ड, द विंड हाउल्ड, द फ्लावर्स नॉडेड। फ्लावर्स कभी नॉड करेंगे, गर्दन हिलाएंगे अपनी, फ्लावर्स की कोई गर्दन होती है, लेकिन यहाँ पर वो नॉन लिविंग चीज़ों को क्या करेगा, या फिर प्राकृतिक चीज़ों को ह्यूमन जैसी फीलिंग्स और इमोशंस दे देगा। फ्लड क्लैप देयर हैंड्स, बाढ़ है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। क्या बाढ़ के कोई हाथ होते हैं? फ्लड के हाथ होते हैं? नहीं होते हैं। द थंडर ग्रम्बल्ड, नेसेसिटी नोज नो लॉ। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पर्सोनिफिकेशन के। तो इसमें होता क्या है? पोएट या ऑथर प्राकृतिक या फिर नॉन लिविंग चीज़ों को बिल्कुल इंसानों जैसे फीलिंग्स और इमोशंस दे देते हैं, और अपनी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को पावर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया ये शायद आपने हो सकता है अभी तक ना पढ़ा हो। ऑनोमेटोपिया में क्या होता है? जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनकी साउंड देना, यानी जितनी भी नेचुरल चीज़ों को साउंड देने का काम ऑनोमेटोपिया करती है। जैसे बजिंग बीज, बीज क्या करती है? बज करती है। यानी हम ऐसी अपने आसपास होने वाली चीज़ों को
आवाज दे रहे हैं, साउंड से डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमारा ऑनमेटोपिया कहलाता है। रसलिंग ऑफ लीव्स, स्प्लैशिंग वाटर, रोरिंग स्काई, ये सारे कैसी हमारी आसपास होने वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, और इनको हम चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, उनको हम आवाज़ दे रहे हैं, उनको हम साउंड से कंपेयर कर रहे हैं, उनके साथ हम साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑनमेटोपिया। काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये डिटेक्ट करने में। ट्रांसवर्ड एपिथेट, अब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसवर्ड एपिथेट में क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर एन एपिथेट फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस। ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम करते क्या हैं, जो भी हमारे सेंटेंस में आपस में क्लोजली एसोसिएट होते हैं उसको हम एपिथेट दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कोई चीज़। माई केयरफुल स्टेप्स रीच द एटिक, तो स्टेप्स कैसे बना दिए उसने, केयरफुल बना दिए। केयरफुल स्टेप्स मतलब मैंने बहुत ध्यान से अपने कदमों को बढ़ाया उस एटिक पर जाने के लिए। इट इज़ अ सैड वर्ल्ड, वर्ल्ड कोई सैड होता है, लेकिन उसने कुछ शो करने के लिए, सैडनेस शो करने के लिए, अपने मूड को शो करने के लिए पोएट इन वर्ड्स का यूज़ कर सकता है। जू ही स्पेंट हैप्पी डेज, क्या डेज हैप्पी होते हैं, हमें नज़र आते हैं क्या, नहीं, लेकिन अपनी किसी चीज़ को शो करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन को शो करने के लिए उसने डेज के साथ हैप्पी वर्ड को लगा दिया। उसने डेज के साथ क्या करा, हैप्पी वर्ड को लगा दिया। तो यहाँ पर वो क्या करता है, एपिथेट को ट्रांसफ़र करता है, और ये सेंटेंसेस में ही आते हैं, ये आपके क्लोजली एसोसिएटेड सेंटेंसेस में आते हैं। ये कोई ये नहीं कि एक कोई पोएम में एक यहाँ पर मिलेगा या एक नीचे मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बहुत आसान है पहचानना। देखिए ध्यान रखिएगा, ऑनमेटोपिया और ऑक्सीमोरॉन इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ऑनमेटोपिया में हम क्या करते हैं, नेचुरल चीज़ों को साउंड से डिस्क्राइब करते हैं, और ऑक्सीमोरॉन में ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं वो आपस में एक साथ लगे होते हैं, और जब आप उनको पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ही स्ट्रेंज लगते हैं, आपको लगता है ये कैसी अजीब सी बात हो गई। वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं नेचर में और एक साथ लगे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा एग्जांपल से, ओपन सीक्रेट, आपको लगेगा ना अजीब कि सीक्रेट भी और ओपन भी है। ओपन सीक्रेट देखो, ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है, और ये एब्सर्ड है। जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अजीब लगता है इनको पढ़ते हुए। स्वीट सॉरो, सॉरो का मतलब दुख होता है, क्या दुख स्वीट हो सकता है, तो कितनी ऑपोजिट बात है स्वीट सॉरो। फ्री मार्केट, मार्केट है, मार्केट से तो हम पैसे से सामान लाएंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है फ्री मार्केट। पीस फोर्स, ये बहुत ही ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, एक साथ आपस में लगे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं नेचर में, और जब आप इनको पढ़ते हो तो कैसे लगते हैं, अजीब लगते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस होता है हमारा वाउल का रिपीटेशन। देखिए जैसे एलिट्रेशन पढ़ा था उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन था, ध्यान रखिएगा एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही थी। एजोनेंस में क्या होता है, वाउल साउंड रिपीट होती है। हमें सिर्फ लेटर्स को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, वाउल साउंड को देखना है जो कि आपस में क्लोजली रिलेट होते हैं और वो रिपीट होते हैं। साउंड्स नीड नॉट टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, और ज़रूरी नहीं है कि वो साउंड वर्ड के पहले ही आती हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रेयर एंड रेडियंट मेडन हुम द एंजल्स नेम्ड लेनोर, रेयर एंड रेडियंट, यू इसमें अ साउंड, फॉर द रेयर रेडियंट, देखो रेयर ए आ रहा है यहाँ पर, रेडियंट ए, मेडन एंजल्स नेम्ड, इस तरीके से साउंड रिपीट हो रही है, ए साउंड रिपीट हो रही है। हमें लेटर्स को देखना ही नहीं है, हमें यहाँ पर साउंड को देखना, साउंड को सुनना, साउंड पहचाननी है, और वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिएगा यू साउंड रिपीट हो रही है. Uncertain rustling of each purple curtain. Uncertain rustling purple curtain. U sound आपकी vowel sound कैसी हो रही है? Repeat हो रही है. Next example देखिए. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. I desire favor नहीं fire. Favor नहीं है fire. यहाँ पर आई की जो साउंड है वाउल साउंड है इस पूरे सेंटेंस में रिपीट हो रही है. आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे सेंटेंस तब आप इनको डिटेक्ट कर पाएंगे. तो एजोनेंस आपको समझ में आया होगा ये एलिट्रेशन से डिफरेंट है. एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती थी बिगनिंग में लेटर आ जाया करता था लेकिन यहाँ पर बीच में लेटर आ सकता है और वाउल साउंड रिपीट हो रही है और हमें लेटर्स को देखना भी नहीं है. देखिए जो आज का हमारा टॉपिक था फिगर ऑफ स्पीच वो इसी के साथ ख़त्म होता है. मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थी जो बहुत बार रिपीट होती हैं 9 से 12 की पोएम्स और लिटरेचर में उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं कोई टॉपिक की डिमांड करनी है कि मैम आप ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको कराऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर. बाय.